एडवांस बुकिंग ने मारी थी बाजी। फिल्म गदर 2 को ओपनिंग डे पर देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर दर्शकों की भारी भीड़ देखी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ 20 लाख टिकट्स की तो एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। वहीं फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने खुद सोशल मीडिया पर दमदार एडवांस बुकिंग की जानकारी दी थी। लोगों का मानना है कि फिल्म जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर सकती है। अनिल शर्मा ने बताया फिल्म का बजट, फिल्म गदर 2 को बनाने में मेकर्स को 100 करोड़ रुपए से कम पैसे खर्च करने पड़े थे। वहीं मूवी के डायरेक्टर अनिल शर्मा का कहना है कि फिल्म के सभी कलाकारों ने अपनी फीस को लेकर कोई डिमांड नहीं की थी। अनिल शर्मा ने फिल्म के बजट और लीड हीरो सनी देओल की फीस के बारे में भी कई बातें सामने रखी। सनी देओल ने अपनी फीस के साथ किया समझौता। अनिल शर्मा ने आगे कहा फिल्म में सनी देओल की फीस ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी फीस से समझौता किया। इन दिनों हीरो और निर्देशक इतनी ज्यादा फीस लेते हैं कि फिल्म का पूरा बजट डगमगा जाता है। फिल्मों का बजट 600-700 करोड़ पहुंच जाता है। कभी कभी तो हीरो 150 से 200 करोड़ रुपए तक फीस चार्ज करते हैं। 100 करोड़ रुपए से कम में बनी फिल्म अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में गदर 2 के बजट पर बात करते हुए कहा इस फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए से कम है। अनिल शर्मा ने उन रिपोर्टों का भी खंडन किया जिनमें कहा गया था कि गदर 2 का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि इन रिपोर्टों में बेहद बड़ा चढ़ाकर बजट को पेश किया गया है जबकि वास्तविक आंकड़ा बहुत कम है। उन्होंने भारतीय सेना और उत्तर प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद दिया क्योंकि इससे उन्हें फिल्म के बजट पर नियंत्रण रखने में बहुत मदद मिली थी।